दिल्ली विधानसभा ने मानसून सत्र के दूसरे दिन आप प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का विरोध कर रहे हैं क्या? संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर डिजिटल इंडिया का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने एक ही विधेयक को पेश करने और पारित किए जाने को लेकर इसका विरोध, जब ये डिजिटल नहीं था चला गया, अब विरोध कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधायक ओम प्रकाश शर्मा को अगले सत्र के लिए निलंबित कर दिया। तो अध्यक्ष के इस फैसले के विरोध में भाजपा के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लोगों की रातवाद के समय भारतीय जनता पार्टी के संविधान में विधायक खरीदने और बेचने के लिए होते हैं, काम करने के लिए थोड़ी होते हैं। उनको परेशानी है कि उनका प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है, रात को विधायक खरीदने के लिए एक्सपर्ट लोग अगर बिल पढ़ेंगे, आपने भी क्या कर दिया, 6 बजे इनको बिल भेज दिया, 7 बजे 8 बजे पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। और विधानसभा पारित भी कर दे तो 5-5 साल केंद्र सरकार रोके रखती। हाँ, वैसे अभी चले गए भारतीय जनता पार्टी के मित्र, मेरा मन कर रहा था, उम्मीदें सुन रहे होंगे इस बात को, बड़ी मर्यादा की बात कर रहे थे। इस देश के सदनों में हमने इस देश के सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दों पर, यहां तक कि किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर भी किस तरह से बिल पास होते हुए देखे हैं और कैसे किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने के बिल पास हुए हैं इस देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। ये इस देश के इतिहास में भी लिखा हुआ है और इस देश का भविष्य भी तय हो रहा है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, ये 5 बजे उठा के 4 बजे उपराज्यपाल को फोन करके 4:30 बजे मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं और 6 बजे उसके उप मुख्यमंत्री के सारे केस माफ कर देते हैं। ये मर्यादा की बात करते हैं, किस मुंह से मर्यादा की बात करते हैं। बहरहाल, मैं मूल मुद्दे पर लौटते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः दिल्ली माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 वर्ष 2021 का विधेयक संख्या 3 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।